हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोटस स्टेम फ्राइज बना रहे हैं। इसे हम कश्मीरी में नदर मोंज भी कहते हैं और खाने में ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। ये कश्मीर के बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनके ये तैयार भी हो जाते हैं। आइए हम फटाफट से नदर मोंज बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने नदरू लिए हैं, इन्हें कमल डंडी भी कहते हैं और कहीं कहीं इन्हें भीस भी कहते हैं। इनका जो ऊपर का छिलका है उनको हम चाकू की सहायता से हल्का हल्का खुरच लेंगे। ये बहुत आसानी से खुरच जाते हैं। बस इस तरह से हमने सारा इसका जो ऊपर का कवर है उसे हल्के हाथों से खुरच लेना है और जो साइड है इनको काट के अलग कर लेंगे। बस अब नदरू को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और इन छोटे पीसेस को भी हम बीच से काटते हुए इनके और छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अगर नदरू आपके मोटे हैं तो आप और ज्यादा इसके पीस कर सकते हैं। बस इसी तरह से काटते हुए हमने सारे नदरू तैयार कर लेने हैं। और देखिए, नदरू काट के मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब एक बर्तन में पानी ले लेंगे और नदरू को पानी में डाल के अच्छे से धो लेंगे। कभी कभी नदरू के अंदर मिट्टी रहती है तो आप पानी के अंदर नदरू को भिगा के रखिए, मिट्टी अपने आप निकल जाती है। बस अब एक बर्तन में हम चावल का आटा ले लेंगे। इसमें आधा चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा ले सकते हैं। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे, इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का ही यूज करना है। अब इसमें एक चम्मच जीरा भी ऐड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। और देखिए, बैटर हमारा तैयार हो गया है। बैटर हमारा इतना थिक रहना चाहिए और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। बस अब इस बैटर में जो हमने नदरू धो के रखे थे उसे मिला लेंगे। और नदरू को बैटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। नदरू भी बैटर के साथ अच्छे से मिल गया है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल भी हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम नदरू डाल लेंगे। नदरू को हमने एक एक करके डालना है वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। बस एक एक करके नदरू डालेंगे और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और बस थोड़ा सा ये पक जाए उसके बाद ही हम इनमें करछी चलाएंगे और पलटते हुए भी इन्हें गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और इनका कलर अच्छा सा ना आ जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। और ये देखिए, नदरू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हो गए हैं और इनका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है, क्योंकि इनमें हमने चावल का आटा मिलाया है, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। बस अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, कितने बढ़िया और क्रिस्पी नदरू बनके हमारे तैयार हुए हैं। बस इसी तरह से हम और नदरू भी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, क्रिस्पी और टेस्टी से नदर मंज बनके हमारे तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैंने इसे गर्मा गर्म कहवा के साथ सर्व किया है। कहवा की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप भी इस तरह से नदर मंज बनाइए और इंजॉय कीजिए। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।